मैग लेनिंग ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम में एक बैटर यानी बल्लेबाजी की भूमिका निभाती हैं। इन्होंने दिसंबर 2010 से अपने देश के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो आइए जानते हैं इनके बारे में इनके जीवन परिचय के साथ। इनका पूरा नाम मेगन मोयरा लैनिंग है और इनका जन्म 25 मार्च 1992 सिंगापुर में हुआ। इनके पिता का नाम वेन लैनिंग और माँ का नाम सुई लैनिंग है और इनकी एक बहन है जिनका नाम एना लैनिंग है। मेग लैनिंग दाएं हाथ की बैटर और राइट आर्म मीडियम बॉलर है। टीम में इनकी मुख्य भूमिका एक टॉप ऑर्डर बैटर की होती है और इनका जर्सी नंबर है 17। मैग लैनिंग की कैप नंबर यानी इनका देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण नंबर T20I में इनकी कैप नंबर है 32। इन्होंने अपना पहला 2020 इंटरनेशनल मैच 30 दिसंबर 2010 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला और वनडे में इनकी कैप नंबर है 119। इन्होंने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 5 जनवरी 2011 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला और टेस्ट में इनकी कैप नंबर है 164। इन्होंने अपना पहला टेस्ट इंटरनेशनल मैच 11 अगस्त 2013 को ये भी इंग्लैंड के खिलाफ खेला। और मैग लैनिंग डोमेस्टिक लेवल यानी घरेलू स्तर पर विक्टोरिया टीम से, WBBL मेलबर्न स्टार्स से और सुपरनोवा से और पर्थ स्कोरर से खेली और खेलती हैं। मैग लैनिंग का जन्म सिंगापुर में हुआ और फिर उसके तुरंत बाद इनका परिवार सिडनी ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुआ और इन्होंने वारआरबी पब्लिक स्कूल से अपनी पढ़ाई की और इन्होंने 10 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू किया और 14 साल की उम्र में एक एसोसिएट पब्लिक स्कूल टीम के लिए फर्स्ट 11 क्रिकेट खेला और 2019 में ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक यूनिवर्सिटी से मेग लैनिंग ने एक्सरसाइज एंड हेल्थ साइंस में डिग्री प्राप्त की और 30 दिसंबर 2010 को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I मैच में 10 रन बनाकर T20I अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। इसके बाद इन्होंने अपना पहला वनडे मैच 5 जनवरी 2011 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला जिसमें मेग लैनिंग ने महत्वपूर्ण 20 रन बनाए। फिर इसके दो दिन बाद मेग लैनिंग ने 118 गेंदों पर नॉट आउट 103 रन बनाकर अपना पहला वनडे शतक बनाया और 18 साल की उम्र में अपने देश की अब तक की सबसे कम उम्र की सेंचुरियन प्लेयर बनी। फिर 2012 ICC महिला विश्व 2020 में 5 पारियों में 138 रन बनाकर तीसरे सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी और 17 दिसंबर 2012 को न्यूजीलैंड के खिलाफ एक ODI में 45 गेंदों पर शतक लगाकर ऑस्ट्रेलियाई महिला द्वारा सबसे तेज शतक लगाने वाली खिलाड़ी बनी और फिर 2013 महिला क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच के दौरान लैनिंग ने 104 गेंदों पर 112 रन बनाए और वेस्टइंडीज के खिलाफ फाइनल में 31 रनों का योगदान दिया और ऑस्ट्रेलिया को 50 ओवर के विश्व चैंपियन का ताज पहनाया और 2013 महिला एशेज के दौरान लैनिंग ने 11 अगस्त 2013 को अपना टेस्ट डेब्यू किया और इस मैच में 86 रन बनाए। फिर 19 जनवरी 2014 को मेग लैनिंग ऑस्ट्रेलिया की अब तक की सबसे कम उम्र की कप्तान बनी और 2014 विश्व 2020 में मेग लैनिंग टूर्नामेंट के शीर्ष रन स्कोरर थी जिसमें 6 पारियों में इन्होंने 257 रन बनाए और एक मैच के दौरान 65 गेंदों में 126 रन बनाकर T20I में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड बनाया और जून 2014 में मेग लैनिंग को तीनों फॉर्मेट के लिए टीम के कप्तान के रूप में पक्का किया गया और 2017 महिला क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका के खिलाफ 135 गेंदों पर नाबाद 152 रन की पारी खेली। फिर मार्च 2018 में भारत के दौरे पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक दिवसीय मैचों में 3000 रन तक पहुंचने वाली दूसरी सबसे तेज महिला खिलाड़ी बनी और T20I में 2000 रन बनाने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ी बनी और मेग लैनिंग ने 2020 महिला T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के लिए दो महत्वपूर्ण पारी खेली। पहली पारी श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 31 रन बनाए, ये इनका 100वां T20I मैच था और दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में नाबाद 49 रन बनाए और फाइनल में भारत को 85 रनों से हराया और कप्तान के रूप में मेग लैनिंग को घरेलू धरती पर विश्व कप खिताब जीतने वाली एकमात्र ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर के रूप में रखा गया और नवंबर 2020 में मेग लैनिंग को दशक की ICC की महिला ODI और T20I क्रिकेटर के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और 4 अप्रैल 2021 को लैनिंग ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 विकेट की जीत में ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व किया जिसमें टीम की विश्व रिकॉर्ड ब्रेकिंग 22वीं वनडे जीत दर्ज की और जनवरी 2022 में लैनिंग को महिला एशेज प्रतियोगिता के लिए और 2022 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए और 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम के
कप्तान के रूप में नामित किया गया। तो मेग लैनिंग 4 बार वर्ल्ड कप विजेता टीम की कप्तान है और टोटल 6 बार वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रही है। और अभी तक मेग लैनिंग ने 100 वनडे मैचों में 15 शतक और 115 टी20 मैचों में 2 शतक लगा चुकी है। तो हम कामना करते हैं कि मेग लैनिंग ऐसे ही अपने देश के लिए क्रिकेट खेलती रहें और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगे और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे teamnationtamasha@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।